नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डायलिसिस के विषय में। अगर आप भी इनसे परेशान हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यह पौधा लाखों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डायलिसिस रुकवा चुका है। दोस्तों, पुनर्नवा के पूरे पौधे में औषधीय गुण होते हैं। विशेषकर इसकी जड़ों और पत्तियों में औषधीय गुण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खेतों में पैदा होने वाले या अक्सर ही किसी भूमि पर अपने आप उग जाने वाले इस खरपतवार के गुण देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। हम आज आपको एक ऐसा ही इसका प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको करने से किडनी के समस्त रोग सही हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिन रोगियों का डायलिसिस चल रहा है वो भी अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर यूं कहें कि ये किडनी के समस्त रोगों के लिए रामबाण है तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, पुनर्नवा के अंदर बहुत सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं और इनके नाम से स्पेशली इंजेक्शन भी आते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पोटासियम, नाइट्रेट, यूरोसोलिक एसिड भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा के धरती के ऊपरी हिस्से में 15 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिनमें 6 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, हमें बाहर से भोजन के रूप में लेने पड़ते हैं। पुनर्नवा के जड़ में 14 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिनमें से 7 बहुत आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते और इनको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। दोस्तों, पुनर्नवा क्रोनिक रेनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारी को अकेले ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, पुनर्नवा में मौजूद पुनर्नवा वोसाइड जो एक अल्कलॉइड है, एक बहुत अच्छा तत्व है जो एक रसायन है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे यूरिन खुलकर आता है और शरीर में किडनी की बीमारी होने से पैदा होने वाली सूजन जिसको एडमा कहा जाता है कम हो जाती है। इसके साथ ही पुनर्नवा वोसाइड एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इनके क्या क्या काम हैं। दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट सूजन को कम करता है जो इन्फेक्शन से हो जाती है। यह खिंचाव को कम करता है जिससे दर्द कम होता है। यह यूरिन में आने वाले ब्लड को रोकता है जो कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अक्सर हो जाती है। दोस्तों, पुनर्नवा जो एक बहुत कारगर औषधि है किडनी डिजीज के अंदर, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मुख्यतः बार बार होने वाले यूटीआई में काफ़ी लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटासियम नाइट्रेट का काम भी करता है जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है जिससे किडनी फेलियर के मुख्य लक्षण एडमा में आराम मिलता है। गर्भावस्था में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी पुनर्नवा बहुत अधिक उपयोगी है। दोस्तों, यह एक प्रकार की किडनी की समस्या होती है जिसमें शरीर में प्रोटीन यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और शरीर पर सूजन आ जाती है और किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इस समय पुनर्नवा का उपयोग किसी संजीवनी से कम नहीं है क्योंकि इसमें मौजूद अमीनो अम्ल शरीर में हुए प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं तथा यूरिन में होने वाले प्रोटीन लूज को भी कम करते हैं। किडनी डिसफेक्शन से होने वाली सूजन जिसे एडमा कहते हैं को भी कम करते हैं। किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्रोनिक रेनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अथवा किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने अंदर पाए जाने वाले विशेष रसायनों की वजह से अकेले ही ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, किडनी डायलिसिस को रोक सकता है पुनर्नवा। पुनर्नवा यूरिन आउटपुट को काफ़ी बढ़ा देता है जिससे वो रोगी जो पेशाब न उतरने की वजह से डायलिसिस करवाते हैं उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। किडनी ट्रांसप्लांट को रोकता है पुनर्नवा। अगर आपको डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट
करवाने के लिए कह भी दिया हो तो आप रोजाना इस पूरे पौधे का जड़ समेत रस निकालकर सुबह शाम पी 50-50 ml 1 से 6 महीने तक आप लगातार लें। ये अवधि रोगी के रोग की स्थिति के अनुसार कम या बढ़ सकते हैं और वो इसको अपनी चल रही दवाइयों के साथ निसंकोच ले सकता है। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है दोस्तों। किडनी रोगी के लिए रक्तचाप को नियंत्रित करता है दोस्तों। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पुनर्नवों में पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के कारण पुनर्नवा मूत्र की अधिक मात्रा किडनी से निकालता है, इसलिए ब्लड प्रेशर संतुलित रखता है। यह एलोपैथी में भी बीपी को कम करने के लिए दी जाने वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो की तरह काम करता है, जो कि मुख्यतः किडनी रोगी को रेनल फेलियर के केस में दी जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसका कैसे करना है आपको सेवन। इसको सुबह खाली पेट इसके पूरे पौधे का रस निकालकर 50 ml सुबह और 50 ml शाम को रोगी को दीजिए। यह रोगी के रोग के अनुसार 1 से 6 महीने तक दे सकते हैं। अब जानते हैं इसके रस को निकालने की विधि। किसी भी पौधे का सवरस निकालने के लिए पहले उसको अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद में पत्थर पर कूट कर इसको चटनी जैसा बना लो और फिर इसको किसी सूती कपड़े से छान लीजिए। या फिर ऐसा करें कि घर में मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से थोड़ा पानी मिलाकर ग्राइंड कर लो और फिर इसको किसी सूती कपड़े से छान लो और यह रोगी को दीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इसके जो रिजल्ट आपको मिलेंगे आप उसे पाकर बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही कारगर है किडनी के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए। और दोस्तों बहुत सारे रोगियों पर आजमाया हुआ नुस्खा है ये। बहुत सारे रोगियों का किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डायलिसिस रुकवा चुका है ये पौधा, तो आप इसको हल्के में मत लें। अगर आपका कोई जानकार या रिश्तेदार या आप खुद इस रोग से पीड़ित हैं, किडनी के किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो पुनर्नवा के रस का आप सेवन करें और आप जो परिणाम मिलेंगे आप उनको पाकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो मेरे भाई इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं वह इसका प्रयोग करके अपने उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकॉन है आप उसको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगी, जिससे कि आप हमारी नई वीडियो को देखकर अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।